है कि किसी भी कॉज के लिए, जब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंटी टबैको अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा था, तो हमें कंटिन्यूसली एक कैंपेन जारी करना पड़ा जहाँ पे हम यूथ से जो सिगरेट स्मोकिंग की या तंबाकू के सेवन की आदत पिकअप कर रहे थे, उस टाइम पर वहाँ पे इंटरवेंशन क्रिएट करना था थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। तो हमने टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की, हमने थिएटर्स में इसको दिखाया, हमने यूथ के लिए कॉलेजेस में, यूथ हब्स में प्रोग्राम्स किए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट, इनफैक्ट जो हमारा अगला कैंपेन होने वाला है, जो इस साल हम जिसे न्यू फाइनेंशियल ईयर में रिलीज करने वाले हैं, वो कैंपेन इज ऑल्सो गोइंग टू बी दैट स्मोकिंग डज नॉट मेक यू माचो। यू नो, इनफैक्ट जो अब नया रिसर्च बता रहा है कि वन इन थ्री मैन सफरिंग फ्रॉम यू नो सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो जब हम इन चीज़ों का प्रचार करने लगेंगे तो स्मोकर्स को या तंबाकू के सेवन करने वालों को देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा। इसी तरह आई थिंक HIV के कैंपेन्स को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूसली उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम प्रचार करते जाएंगे, उसी तरह जैसे हमने अभी पोलियो को इरेडिकेट किया है, इसी तरह हमारा विजन होना चाहिए कि HIV को भी हम इरेडिकेट करना है। अभी डॉक्टर सुनावाला बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि साइंटिफिकली इवेंचुअली तो इट शुड बिकम लाइक HIV, इट शुड हैव अ वैक्सीन एंड जस्ट वाइप इट आउट कम्प्लीटली। और किसी ने और बहुत खूबसूरत बात कही कि HIV जैसी बीमारियाँ हमारे खून में, हमारे नसों में नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री की किताबों में होनी चाहिए बस। तो यही मेरी शुभेच्छाएं हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि HIV एक ऐसी बीमारी है, ऐसी एपिडेमिक है जो सिर्फ विक्टिम को नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को, परिवार की सामाजिक जो स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। और जिस एक ज़माने में जहाँ महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई थी और एक सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा की, उसी तरह आज जो लोग इस मंच पर प्रस्तुत हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अवेयरनेस दोनों तरफ है। एक तो प्रिकॉशनरी अवेयरनेस होता है कि आप HIV से बचाव कैसे कर सकते हैं, सेफ सेक्स हो या यू नो डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, उसके बारे में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो HIV पेशेंट्स हैं, समाज में उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस देना है, स्टिग्मेटाइजेशन जो हो जाता है समाज में, जैसे रति आंटी कह रही थी कि ऑस्ट्रसाइजेशन जो होता है, HIV पेशेंट को हम जिस निगाह से देखते हैं, हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे क्यों नहीं देखते, वो भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं दाद देना चाहूँगा जिस तरह से काम गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, पूरे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में खन्ना अंकल ने मुझे यहाँ बुलाया है, एमक्योर इनकी कंपनी है और इनके साथ में बहुत सारी फार्मा लॉबीज़ की, मैं हिंदुस्तानी फार्मा लॉबी की खासकर दाद देना चाहूँगा कि शेर बनकर उन्होंने विदेशी कमर्शियल प्रेशर्स के सामने दहाड़ कर अपने हिसाब से दे मेड नेसेसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो HIV पेशेंट्स के लिए एक ज़माने में $10,000 साल का खर्चा होता था, हिंदुस्तानी के लिए $10,000 का खर्चा साल का, सिर्फ जीने के लिए, बचने के लिए। आप सोचिए, उसे इन लोगों ने $100 के पर ईयर के रेट पे लेके आए हैं। इस बात की हमको बहुत दाद देनी चाहिए, थैंक्स टू द फार्मा कंपनीज लाखों लोगों की बच गई, उनको जीने का एक मौका मिला। बतौर एक सेलिब्रिटी मैं सोशल कॉजेज से हमेशा जुड़ता आ रहा हूँ, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से 12 साल से जुड़े हुए हैं और 2.5 लाख बच्चों की हमने जाने बचाने की कोशिश की है पिछले 12 साल में। इसी तरह अगर मेरी कोई सेवा मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं आगे आऊँगा और HIV के लिए भी जितनी प्रयास कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ।